तो क्या बदल रहा है मायावती का मूड? क्या मायावती जल्द ही गठबंधन को लेकर करने वाली हैं कोई बड़ा ऐलान? क्या अब विपक्षी खेमे में होने लगी है मायावती को बड़ी दिलचस्पी? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं बसपा की बैठक के बाद, क्यों वो हम आपको जरूर बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आज का दिन बीएसपी के लिए, उसके कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए बड़ा दिन रहा, क्योंकि ये बैठक थी 24 की तैयारी के लिए, जिसमें मंडल जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस बैठक में मायावती ने यूपी और देश के बदलते हालात पर चर्चा करने के साथ पार्टी नेताओं को जरूरी निर्देश दिए। लेकिन सवाल बड़ा ये था कि क्या 23 तारीख की पटना मीटिंग को लेकर भी कोई संदेश दिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि मायावती ने इस बैठक में गठबंधन और विपक्षी एकता को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश की और उसके बाद एक बड़ा संदेश भी दिया। ये संदेश था बैठक के बाद जारी हुए प्रेस रिलीज में, जिसको पढ़ते जाइए और मायावती की रणनीति को और उनके इशारों को बस समझते जाइए, जिसमें मायावती कहती है कि बदलती परिस्थितियों के बीच विपक्षी दलों की तैयारी पर नजर की बात, जिसे बड़ा हिंट माना जा रहा है विपक्षी गठबंधन पर मायावती को रुख को लेकर। हालांकि इस प्रेस नोट में अव्वल बीजेपी ही होती है, मायावती जमकर बीजेपी की क्लास लगाती है तो साथ ही साथ सपा को भी लपेटे में लेती है। बीजेपी पर बरसते हुए मायावती कहती है कि बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान बटाने के लिए जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों को जानबूझकर पूरी छूट व सह दे रही है, जिसके कारण प्रदेश नहीं बल्कि देश की प्रगति भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित हो रही है। वहीं मायावती ने एक बार फिर लव जिहाद, मजार समेत कई मुस्लिम वोटर्स से ताल्लुक रखने वाले मुद्दे भी उठाए। मायावती ने कहा कि यूपी सहित विभिन्न बीजेपी सरकारों में कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, मजार व स्कूल, कॉलेज विध्वंस, मदरसा जांच, बुलडोजर राजनीति तथा धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नफरती संकीर्ण बयानों व कार्रवाई आज से बचना होगा, ताकि देश भर में व्याप्त तनाव व दहशत का माहौल समाप्त हो और देश मजबूती से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सके। यानी एक बार फिर मुसलमानों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मायावती ने की है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही मुद्दे को उठाया था, मगर ऐसा पहली बार है जब मायावती ने किसी विपक्षी कवायद पर नजर रखने की बात कही, जिसका हिस्सा फिलहाल वो खुद नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या मायावती का मन विपक्षी गठबंधन को लेकर चेंज हो रहा है, या फिर मायावती के संदेश का कुछ और मतलब है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी दफ्तर में कांशीराम अम्बेडकर और मायावती की मूर्तियां भी गायब मिली, लेकिन ये मूर्तियां हटाई गई हैं, इस पर बसपा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो अंदर की उस चबूतरे की तस्वीर है जहां पर तीन मूर्तियां यानी स्टैचू मौजूद रहती थी, जिसमें एक कांशीराम की जो स्टैचू है वो मौजूद रहती थी, इसके अलावा अंबेडकर की स्टैचू और मायावती की खुद स्टैचू यहां पर मौजूद रहती थी। लेकिन आज इस चबूतरे पर किसी भी प्रकार की कोई स्टैचू नहीं है। हालांकि अभी इसका नहीं पता चल सका कि आखिर किस वजह से ये स्टैचूज हटाई गई यहां से, लेकिन जब भी जयंती अंबेडकर की जयंती होती रही है, कांशीराम की जयंती होती रही है, तो मायावती खुद यानी बीएसपी की सुप्रीमो यहां पहुंचकर वो पुष्प चढ़ाती रही हैं, यहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देती रही हैं। लेकिन आज इस पार्टी ऑफिस में उन तीनों की स्टैचू को हटा दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन इस पार्टी ऑफिस में कोई नहीं आ पाता है, लेकिन आज जब हम बैठक के दौरान इसमें पहुंचे तब पाया कि यहां पर स्टैचू मौजूद नहीं है। और ऐसे में माना जा रहा है इसके पीछे कोई खास वजह या बड़ी वजह भी हो सकती है, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी से इसको लेकर कोई क्लियरेंस नहीं आया है। तो जिस तरीके से कांशीराम अंबेडकर और मायावती की मूर्ति हटाई गई है, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव,